अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं विजयता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। चिकित्सा सिर्फ उनका पेशा ही नहीं अपितु पैशन है। समाज सेवा और मरीजों का दर्द उनके दिल में भरा है। वे द्वित हो उठते हैं जब देखते हैं कि अपनी बीमारी के चलते मरीज करहा रहे हैं। कोरोना का प्रकोप बढ़ा तो उनकी मानवता, सहायता व मदद करने का नजरिया भी बढ़ गया है। वे कोरोना के प्रति सचेत हैं, लेकिन इतना नहीं कि मरीजों से दूरी बना ले। भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा डॉक्टर नरेश त्रेहान के हाथों शुभारंभ कराए गए KMC में वह मरीजों की सेवा में दिन रात एक किए हुए हैं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं संचालक डॉक्टर सुनील गुप्ता की। वही सुनील गुप्ता जिनमें उनके मरीज डॉक्टर नरेश त्रेहान की छवि पाते हैं। 13 लाख से ज्यादा लोगों में अपनी पहुंच बना चुके फर्स्ट बाइट की टीम ने आज डॉक्टर सुनील गुप्ता से बात की। आइए देखते हैं। मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, सर्जन संचालक KMC चिकित्सा संस्थान मेरठ। डॉक्टर साहब, कोरोना को आप किस तरह से देखा है? जहां तक कोरोना को देखने का विषय है, कोरोना एक विश्व महामारी है, पेंडेमिक हो चुका है। अगर कहा जाए तो ये एक बायोलॉजिकल वॉर है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान जैसे देश में हम लोगों की सांस्कृतिक धरोहर, जो हमारे संस्कार हैं, उसमें अभी कोरोना उतना भयावह स्थिति में नहीं है जितना दुनिया के और देशों में अभी तक हो चुका है। अगर आप जनसंख्या के अनुपात में भी देखें तो बहुत कम अनुपात में हमारे देश में कोरोना से संक्रमित लोग हैं। और लॉकडाउन को जिस तरह हम लोगों ने प्रभावित रूप से इसको लॉन्च किया है और जिस तरह हमने इसकी तैयारी की है, उसमें मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग अभी संक्रमित हैं और बहुत कम ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है। लेकिन इसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि हम लोग कोरोना को एक सीरियस तो लें, सावधानी बरतें, लेकिन ओवर रिएक्ट ना करें कि हम अपनी जो मेंटल स्टेटस है उसको जरूर संतुलित रखें, सजग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, डिस्टेंस, क्लीनिनेस, अपनी दिनचर्या ये बहुत ही मजबूत रखें, अपना मोरल डाउन ना होने दें। इसके अलावा कि शिक्षित अशिक्षित वर्ग, चिकित्सक वर्ग जो है वो हर समय ग्लव्स पहने रहते हैं और एक ही ग्लव्स को पूरे दिन पहन के उसे हर जगह टच करते हैं, उससे संक्रमण बहुत तेजी से इधर उधर फैलता है। तो हम हर बार ग्लव्स बदलें, एक बार टच करते ग्लव्स बदलें ये संभव नहीं है। तो ग्लव्स पहनने के साधन केवल अपने को सेव कर रहे हैं, जो समाज के और मनुष्य हैं, प्राणी हैं या और चीजें जहां जहां हम टच करते हैं उन सब पे हमारा हाथ कहीं ना कहीं टच होता है और उसका क्रॉस कॉन्टेमिनेशन होता है। और हम शायद ये समझते हैं कि हम सुरक्षित रहे, एक बार ग्लव्स पहन के शाम को उतार देते हैं। उस ग्लव्स को जहां जहां हम टच करते हैं वो सब जगह संक्रमण को इंटर ट्रांसमिशन होता है और उससे इस बीमारी के संक्रमण का बहुत ज्यादा भयावह रूप समाज में हो सकता है। जो हमारा चिकित्सक है, जिसको शायद स्टरलाइजेशन और सैनिटेशन की सबसे ज्यादा कंसर्न जिसका होना चाहिए, वो लोग भी ग्लव्स पहन के पूरे दिन एक ही ग्लव्स को बार बार सैनिटाइज करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शायद ग्लव्स को सैनिटाइज करने से अच्छा ही है कि आप अपने हाथ को सैनिटाइज करें। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि कोरोना को लेकर के कुछ लोग अतिशयोक्ति भी कर रहे हैं या कुछ ज्यादा बढ़ावा? हाँ, कुछ लोग वो कर रहे हैं जिनकी शायद इनर कॉन्शियस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम जो स्नीज करते हैं, खांसते हैं या हमें नाक का डिस्चार्ज आता है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा इस तरह के वायरस की होती है। उससे हम डिस्टेंस रखें, लेकिन हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे किसी भी चीज को नहीं छुएंगे। इस तरह की जो बेसलेस और मीनिंगलेस चीजें हैं, ये शो करती है कि हम लोग कुछ ओवररिएक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक वर्ग विशेष में डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये एंटी सोशल फीलिंग है। ये एक
मेरा ऐसा मानना है कि ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है, इस तरह की सोशल रिएक्शन एक समुदाय द्वारा, ये एक किस्म का पॉलिटिकल आउटब्रस्ट है। ये मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करता कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने हिंदुस्तान में दो धर्मों को पोलराइज करने की हमेशा कोशिश की है। ये उस पोलराइज करने का मेरा ऐसा मानना है कि एक नतीजा है कि शायद उनमें एक आक्रोश है ये कि साहब ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो ये इसके लिए हमको सोशल बैलेंसिंग, सामाजिक संतुलन, सोशल काउंसलिंग करनी चाहिए और उन लोगों को बताना चाहिए। और जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि जो पुलिस के साथ या पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स के साथ उन्होंने जिस तरह का फिजिकल मैनहैंडलिंग किया है या और उनको चोट पहुंचाई है, इस तरह के लोगों को लीगली बहुत ही मजबूती से टैकल करना चाहिए, फिर उसमें कोई पॉलिटिकल अपीजमेंट नहीं होना चाहिए। आजकल कोरोना के प्रकोप में एक चीज जो सामने आ रही है बहुत दिन से, वो यह है कि हम जितने भी चिकित्सक समाज है, इन सबको भी इस समय जो कोरोना से संक्रमित पेशेंट हैं उनके तो कुछ फिक्स प्लेसेस हैं, जैसे एलएनआर मेडिकल कॉलेज में बहुत मुस्तैदी से इलाज इनका चल रहा है, या हमने पांचवी में सीएससी को चुना है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चुना है, या कुछ क्वारंटाइन के एरियाज कुछ लोगों ने समर्पित किए हैं, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी और लोग हैं जो इस तरह के मेंटल डिसबैलेंस में, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं या कैंसर के पेशेंट्स हैं या पुराने और पेशेंट्स हैं, वो घरों पे रह रहे के या जो एक नियमित रूप से बीमारी अपना कोर्स तय करती है उसमें उनको भी इलाज मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के डर से या जो लॉकडाउन है वो लोग घर से निकलने में भी उन्हें दिक्कत है, और अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उनको प्रॉपर अटेंड नहीं करेंगे या डरेंगे या उनको कहेंगे आज जांच नहीं होगी या हम देखेंगे नहीं, तो इससे ही और इस तरह में वातावरण में बड़ा भयावह हो जाएगा वातावरण। और ये डॉक्टर्स का एक नैतिक दायित्व है कि वो ऐसे समय में विड्रॉ ना करें अपने आप को, अपनी सेवाएं दें और सब लोग अपने हॉस्पिटल्स में बैठे। हाँ ठीक है, अगर ओपीडी में वो नहीं बैठ रहे हैं तो हॉस्पिटल में बैठे और पेशेंट को अनावश्यक टैक्स भी ना करें, कुछ ऐसा भी ना हो कि वो ऐसे समय में लोगों से कुछ ज्यादा फीस लें या उनको टॉर्चर करें, इस तरह का कुछ भी चिकित्सक से हम लोग अपेक्षा नहीं की जाती। हम लोग जब से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ है केएमसी पहले दिन से पूरी तरह से मुस्तैद है, हमने कैंसर रोगियों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवाएं भी प्रदान की है, निःशुल्क ओपीडी भी चलाई है और हम सब इन लोगों को 24 घंटे लेने के लिए तत्पर हैं, इनको सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड मेडिकल सेंटर्स इस समय इस तरह के लोगों को मेडिकल सुविधाएं 24 घंटे दे रहे हैं। जहां तक डायग्नोस्टिक का बात है, हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सिटी जो इमरजेंसी में, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, जो जिनको गर्भवती हैं, जिनका कोर्स ऑफ इलनेस चलना ही चलना है, जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग पूरी अपनी अल्ट्रासाउंड सेवाएं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक केएमसी में दे रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।